केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, यानी कि चुनाव आ चुके हैं, जनता के हाथ में फिर से पावर आ चुका है। हमारी टीम इसी पावर को किस तरीके से जनता इस्तेमाल कर रही है, ये जानने के लिए जगह जगह जा रही है। हमारी टीम आज पहुंची है पांडू बथान पंचायत, जहाँ से जगन्नाथ जी जो कि मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। जगन्नाथ जी की क्या मुश्किल है, आखिर वो क्यों मुखिया के लिए इस रेस में दौड़ रहे हैं, क्या कुछ उनसे बातें हुई है, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूँ ओंकार झा। झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लगा हुआ है। प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव प्रचार में शहर मात का खेल देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी हमारी पूरी टीम कोटा सदर प्रखंड के पांडू बथान पंचायत में है। यहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी जगन्नाथ महतो जी से हमारी टीम की मुलाकात हुई और उन्हीं से जानते हैं कि उनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, किन कारणों से वो चुनावी मैदान में आए हैं और क्या क्या कितने दूर तक अपने पंचायत को लेके जाना चाहते हैं, कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने पंचायत को। जगन्नाथ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? जी हाँ सर, सबसे पहले तो मैं पूर्व में जो 2010 में चुनाव हुई थी उसमें मैं पंचायत समिति सदस्य था, तो उसके बाद पिछला जो 5 साल रहा उसमें एसटी हो जाने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ सका किसी भी पद में। मुझे फिर दोबारा जो है पंचायत समिति में जो है मतलब एसटी हो गया और जनता काफ़ी रुझान था कि आप मैदान में आइए और चुनाव लड़िए, तो हम जनता का सहमत से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं सरजमीन में आके जनता से प्रत्येक गाँव में 14 वार्ड है जिसमें से 14 वार्ड में घूम घूम के हमने सभी से पंचायत में समस्या क्या क्या है। मेरे पंचायत में समस्या है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास जो आता है वो सब सरजमीन पर मुख्य रूप से नहीं हो पाता है, लोग नहीं दिला पाता है, यहाँ का मुखिया के पास समय नहीं है जो जनता के पास समय दे पाता है, वो सिर्फ पद लेने के जिम्मा में रहता है और पद लेके अपना घर बैठे अपने काम का खुद यह करता है। उसमें जैसे कि वृद्धा पेंशन के विषय में है वो समय नहीं दे पाता है वो लोग तक, वो समस्या। आप चुनाव जीतेंगे, पांडू बथान की जनता अगर आपको अपना मुखिया बनाती है तो उनके लिए 10 ऐसे काम बताएं जो आप करेंगे। बस जनता जो चाहती है विकास के विषय में, जहाँ पर रोड नहीं हो उस रोड को हम बनाएंगे, वृद्धा पेंशन के विषय में हम जनता से रिपोर्ट लेके जो विधवा है जो 60 साल से ऊपर हो चुका है उसका मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, पेंशन जो है उसका स्वीकृत करवाएंगे। उसके बाद और जो ऊपर से योजना आती है जो सरजमीन में नहीं आता है वो हम ब्लॉक से लेके अपना पंचायत में लाएंगे, उसके लिए हम उसका मतलब जनता के बीच में रख के उसको आगे बढ़ाएंगे, ये काम आप करेंगे। चुनाव जीतने के बाद आपने बताया पेंशन आवास योजना ये सब पे काम करें। अब हम बात करते हैं आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? उप स्वास्थ्य केंद्र तो अभी पर पंचायत में नहीं बना है, लेकिन वो किसी का पहले घर में चलता था उसको अभी उठा के पंचायत भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद हमको सरकार से या उच्च स्तरीय जो पदाधिकारी है उससे मांग रहेगी मेरा कि मेरे पंचायत में जो कमी है उसको पूरा किया जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे युवाओं के लिए खेलकूद का मैदान नहीं है आपके पंचायत, तो वो युवाओं के लिए तो खेलकूद का मैदान होना ही चाहिए, उस विषय में मेरा मतलब कि निर्देश रहेगा और उसमें हम पहल करेंगे कि युवाओं के लिए खेल का मैदान उस तरह का जमीन हम लोगों के यहाँ पर उपलब्ध है उसको हम मुख्य रूप से खेल का मैदान के लिए चयनित करेंगे और उसमें जो है यहाँ का जो है जो मतलब छात्र छात्राएँ हैं या नहीं तो जो खेल में रुचि रखती हैं उन लोगों को यहाँ पर मतलब कि अपना जो है संगठन बना के वो लोग खेल का ये में रुचि रखेंगे और हम उसको खेल के विषय में उसको हम आगे करेंगे, शिक्षा के विषय में उसको आगे बढ़ाने का। यहाँ पे बालिकाओं के पढ़ने के लिए स्कूल है?
बालिकाओं को स्कूल की बात कर रहा हूँ, बालिकाओं की खास बालिकाओं का पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, जो स्कूल है वो दोनों का है। जैसे हमारे पंचायत के अंतर्गत धर्मुड्डी है हाई स्कूल, वो बालक और बालिकाओं सभी के लिए है, खास बालिकाओं के लिए कोई स्कूल हमारे पंचायत के अंतर्गत नहीं है जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो इस व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे? हम तो चाहेंगे कि सरकार से अगर बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल का अगर ये होता है, उस विषय में हम पहल करेंगे कि बालिकाओं के लिए एक अलग से स्कूल बनाया जाए, और अगर उसमें भी जो होता है कि मतलब हॉस्टल वगैरह का व्यवस्था भी होता है, अगर उस विषय में अगर योजना ऊपर से आता है तो हम उस पर पहल करेंगे, उसको धरातल पर लाएंगे। यानी आपने कहा चुनाव जीतने के बाद आप काफ़ी काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी काम करेंगे, जितने भी योजना है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, सबको आप धरातल पर लाएंगे। लास्ट सवाल, आप पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं, अपील क्या करना चाहते हैं? पंचायत की जनता से हम अपील यही करना चाहते हैं कि हमको पंचायत की जनता चाहती है, और हमको चुनाव अगर हम चुनाव जीतते हैं तो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा हर समय हर पल करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है श्री जगन्नाथ महतो पांडुबथान। आपका ग्राम पंचायत पांडुबथान? ग्राम पंचायत पांडुबथान। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है मुबारा छा, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बेलूम बोलते हैं, वो मुबारा छा। क्रमांक संख्या क्या सर? क्रमांक संख्या? क्रमांक मैंने क्षेत्र संख्या जो ब्लॉक का होता है, क्रमांक संख्या उसका गुब्बारा, चुनाव चिन्ह का क्रमांक संख्या, क्रमांक संख्या दो है, क्रमांक संख्या दो पर है जो ग्राम पंचायत पांडुबथान प्रखंड सदर गोड्डा, क्रमांक संख्या दो, जिला गोड्डा, जिला गोड्डा। फिलहाल बने रहे लालचंद टाइम्स के साथ, धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।